शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजनी पुलिस थाना अंतर्गत बीती रात पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है। यह वारदात कल्याणेश्वर नगर में हुई है। अजनी पुलिस ने आरोपी कुंवरलाल बर्मिया को गिरफ्तार किया। मृतक किरण बर्मिया और शिवा का पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। आगे की जांच अजनी पुलिस कर रही है। अजनी थाना क्षेत्र के कल्याणेश्वर नगर में कल देर रात 1 बजे उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी तथा उसके प्रेमी को जमकर शराब पिलाई तथा दोनों को नशे में चूर होने के बाद उन पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर दोनों को मौत के घाट सुला दिया। अजनी पुलिस ने घटनास्थल से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में मृतक तथा आरोपी बालाघाट के मूल निवासी बताए गए हैं तथा वे नागपुर में मजदूरी करते थे। मिली जानकारी के अनुसार अजनी थाना क्षेत्र के तहत मानेवाड़ा बेसा रोड पर कल्याणेश्वर नगर है। 51B शिव मंदिर के समीप कुंवरलाल भारत बर्मैया अपनी पत्नी किरण बर्मैया के साथ रहता था। दोनों मूलतः बालाघाट निवासी है तथा शहर में मजदूरी का कार्य करते थे। इनके अलावा बालाघाट की ही रहने वाला शिवा भी नागपुर में मजदूरी करता था। वह कुंवरलाल का परिचित था। एक ही गांव का होने से शिवा का कुंवरलाल के घर आना जाना था। पहले कुंवरलाल कहीं और रहता था और बताते हैं कि महज कुछ ही दिन पूर्व ही लॉकडाउन के दौरान वह कल्याणेश्वर नगर में रहने आया था। कल्याणेश्वर नगर के मकान में भी शिवा का आना जाना जारी था। सूत्रों ने बताया कि एक दिन कुंवरलाल बर्मैया जब अचानक काम से बीच में ही घर लौटा तो उसके घर में शिवा मौजूद था और वह आपत्तिजनक स्थिति में था। तभी कुंवरलाल को शक हुआ कि पत्नी किरण और शिवा के बीच अवैध संबंध है। तभी से वह बदले की आग में जलता रहा। काल रात्री 1 वाजण्याच्या सुमारास आम्हाला नियंत्रण कक्षाकडून माहिती मिळाली होती की कल्याणेश्वर नगर या ठिकाणी भांडण चालू आहे। आमची पोलीस टीम तात्काळ त्या ठिकाणी गेली असता 2 जखमी सम आम्हाला त्यामुळे त्या ठिकाणी मिळून आले। प्लॉट नंबर 51B त्या ठिकाणी त्यांना जखमी करणारा इसमसुद्धा मिळून आला होता। तो जखमी इसम आणि साक्षीदारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जखमी इसमाचं नाव आहे कुंवरलाल बर्मैया। या कुंवरलाल बर्मैयानं त्याची पत्नी किरण आणि त्या पत्नीचा मित्र शिवा ह्या दोघांना त्यांच्यामध्ये असलेल्या अनैतिक संबंधाच्या कारणावरून खुराडीनं मारून जखमी केलेलं होतं। त्या दोघांना आम्ही मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये पाठवून दिलेलो आहोत। जो आरोपी आहे त्याला ताब्यात घेतलेला आहे। मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये त्या दोघांना मृत घोषित केलेलं आहे। पुढील तपास करीत आहोत। कुराडीनं त्यांना मारलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट इन बीसीएन न्यूज नागपूर।